हाय गाइस, गुड नाइट। न्यू लगे और अभी अपने सारे क्लासेस हो चुकी है एकदम कदम। लेकिन यार चौथे अंगड़ा से खुशखबरी, क्योंकि मेरा आज हुआ था ना हिंदी का ओरल टेस्ट। हाँ भाई, उसमें ना बच्चे टके टके दे रहे, और एक सर ने कहा था कि एक एक पूरा कहानी तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूरे आने चाहिए और एक कविता सुनानी है ना। एक बच्चे से दो नोल नंबर पीछे है मेरा, 15 है, उससे दो कम है ना। तो कहानी उसने कही सुनता के पहिया खुर्सी, एक कहानी है हमारे बुक में है ना भाई। उससे सर ये पूछ रहे, वो पूछा था कि सुनता को बुरा क्यों लगा है ना। उसने कहा सर बुरा इसलिए क्या उसने उसे पैसे नहीं दिए वैसे वापस? नहीं 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 सर, ये नहीं था है ना। ऐसा खेरा बहुत अच्छा है को। तो फिर ये आते वाग्र में, उसने क्या उसे उधार दिया था? हाँ सर, ये बात बुरी लगी, लेकिन असल में तो उसका आंसर ये था क्योंकि उसने उसको हाथ में पकड़ा देता उसको खुद लेना था। यार ये बात देखो यार क्या क्या है। हेलो गाइस, मैं हूं अंकित इसका दोस्त, और आज हम करेंगे कैच एंड कैच का मैच। और आप लोग प्लीज मास्क लगा के और बार बार हाथ धो। हेलो, स्टार्ट करते हैं अपना गेम। अब ये देख लो मैं कैसे नहीं मुझे मार रहा है। अरे बैट बॉल का मैच करने वाले हैं। भाई यहाँ पे हम यहाँ पे आए तो पार्क में, दूसरे पार्क में आए थे, लेकिन देखो झूला झूलने आए थे, सारे झूले निकाल दिए। पता नहीं कौन है यार, किसकी बदतमीज़ी से मार गया, निकाल दिए सारे। बहुत दिनों बाद आए हैं, गवर्नमेंट का हो गया शायद पार्क। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे अपन को राव नहीं लगाना पड़ेगा है। तो झूले तो बहुत सारे थे यहाँ पे। देखिए भाई भाई, ये देखिए इतने वाले इतने सारे झूले थे यहाँ पे, आधे से ज़्यादा को तो पूरा ही उखाड़ दिया। ये थोड़े बहुत ही बच्चे हैं। सो अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे, और घर पे आने के बाद तो अपना लंच रेडी मिल गया था। उन दोनों पार्क से आने में बहुत टाइम लग गया। लंच में तो अपनी आलू मटर की सब्जी और चपाती बहुत टेस्टी, लेकिन यार सब्जी में ना थोड़ी ज़्यादा मिर्ची डाल दी मामी ने, इसे हम लोग को तो बिल्कुल लगी। ये और मामी ना भाई इतनी मिर्ची खाते हैं, इतनी मिर्ची खाते हैं, हरी मिर्ची खाती है। देखो हरी मिर्ची खाती है भाई, मैं तो हरी मिर्ची उस दाल में से निकाल रहा हूँ, इतनी मिर्ची लगती है हम दोनों को तो, मम्मी और मेरे को, और मामी और इनको तो बिल्कुल मिर्ची नहीं लगती। सो अभी तो अपन दूसरे वाले पार्क में जाएंगे, थोड़ी सी एक बार अपना काम कर लूँ, अपनों को पोएम लर्न करने ना, अपने ओरल टेस्ट आ रहे हैं हिंदी के, टर्म टू के ओरल टेस्ट आ रहे हैं। अपनों को तो अभी पोएम लर्न करनी है, हिंदी की पोएम लर्न करनी है, और अभी हम जाएंगे अपने दूसरे वाले पार्क में। दोनों पैर रखो आराम से। नंबर वाले से सही रहेगा, एक आगे एक पीछे सही होएगा, एक आगे एक पीछे।
ये वाली एक्सरसाइज होती है। चल भाई बहुत डेंजरस है। उसके ऊपर बैठ, ऊपर बैठ उसके। ओहो बोरिंग है, तो सांस तो आ रही है इसमें। पर क्या करना है, ऊंची को घुटनों के लिए है, ये घुटनों के लिए आपको करने के लिए नानी जी आप उधर बैठ जाओ। ये भारी है बहुत, ये बहुत भारी तेरे से नहीं आएगी। माँ से डाल थोड़ा थोड़ा नीचे के लिए रिसाइकल। बड़ा मुश्किल होता है वो लगता है एक कितने साल पार्क में घूम लिए, लेकिन झूले है ये थोड़ा सा, लेकिन ये भी देख रखा है झूले रखा है आज के इस व्लॉग में। अबे और छोटे बच्चों को पता क्या जुगाड़ कर रखा है अपने इंडियन में थोड़े उसको ना ऐसे करके ऐसे पकड़ा देते हैं और फिर जो लोग इसको पकड़ा देते हैं। पैर सीधा करो, आगे पैर सीधा करो पूरे। छोटा बच्चा थोड़ी ना हो जाए चलो ले लेता हूँ। हाँ मेरी हाइट इतनी बढ़िया फिर भी ना ज़्यादा कुछ तो मेरे साथ मिला नहीं कॉलेज में भी सारे झूले देखे जितने भी है ना करता
मास्टर दी सारी धो गई टाइट लगी मास्टर यार चक्कर आ गए इसके दोस्त समझ नहीं आ रहा था घूम कहा रहा था वो कह रहा था और मैं कुछ नहीं समझ आ रहा यार ये जो तो बहुत डेंजर है और अब इस पर डर लेते नहीं यार ये इस पर नहीं करते ये बहुत डेंजरस होना है वो इसके ऊपर खड़ा होना होता है खड़ा हो इसके ऊपर पता नहीं खड़ा हो इसके ऊपर लेकिन ये बहुत डेंजर है कोई डेंजर नहीं धीरे धीरे करो धीरे धीरे पकड़ के इसको निकलते अभी ये देखिए ये अभी इन्होंने प्याज लिया महंगी लेंगी अभी प्याज देखते कितने किलो लेंगी ये देखिए अभी वो आलू ले रही है नानी की अभी से ये मतलब ये यहाँ पे बहुत अच्छे रखे थे प्याज तो ले लिया अब आलू ले रही है आलू भी कम हो गया ना क्योंकि मेरे को खाए हैं तो भाई अभी उस दुकान पर उन्होंने अपनी जो है ना सब्जी वगैरह छोड़ दिया क्योंकि अभी आगे से भी लाना था और इसीलिए अभी छोड़ दिया कुछ और भी लाना था हमें आगे से तो सबसे ज़्यादा हम बच्चे के लिए तो है लॉलीपॉप थे हम यहाँ से ले ही लेंगे तो भाई अभी हम दूसरी दुकान पे आए हैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए कितनी बड़ी दुकान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है इसलिए मैंने कई कुछ तो बनाई भी नहीं बहुत सारी शॉपिंग की है लेकिन इसके घर जाके बनाऊंगा यार क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा वो है डिस्टर्बेंस ये देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ली जैसे मटर ले लिया आलू ले लिए और हमने मेथी ले ली गोभी ले ली गाजर ले ली कैसे बनते हैं भाई लंच तो अपना बहुत तेज़ शक्कर चावल और अभी अपने को थोड़ा सा काम करना है क्योंकि अपना एक आ रखा है काम बस आज हिंदी का वर्ड टेस्ट हुआ था और अभी मैथ का तो अल्फाबेटिकल हो रहा है हिंदी का रोल नंबर वाइज तो मेरा तो 15 था इसलिए मेरा तो हो चुका है एकदम एक लेकिन अभी थोड़ा सा काम बचा है इसलिए वो भी कर लेते हैं जल्दी से हो जाएगा थोड़ा सा है 2 पेजेस बस फाइनली अपना सारा काम हो चुका है एकदम ख़त्म और अभी अपने ने बना के एक सैंडविच खाया था क्योंकि सैंडविच दिखाने की थोड़ा सी वो तो हमने पिछले किसी भाग में दिखाई दिया था उसकी रेसिपी ना तो अभी अपने सैंडविच खा लिया और अभी जो नानी जी है वो तो अभी लेके आई है दूध नानी जी आपने बोला था फेंक दी किसी ने नहीं फेंकी ये नानी जी कहती फेंको फेंको अच्छी नहीं लेकिन नहीं फेंकी देखा देखा नानी जी भी उबा लेंगे शेखर गांधी वहाँ पे ऊपर कुछ ढूंढ रहे हैं अभी वो मिल्क लेके आए ना मिल्क की पैकेट्स स्वीट पोटैटो अभी वो लाएंगे भाई अभी हो चुका है टी टाइम और नानी सिखा रही है हिंदी हम लोग को हिंदी सिखा रही है ना वो अभी अपनी पढ़ाई कर रही है क्लास चल रही है इसकी तो लेकिन अपनों को भी ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना अभी काम आने वाला है थोड़ी देर में अभी टी टाइम है ये लोग पी रहे टी उसके बाद अपना आएगा स्नैक्स उसके बाद अपना स्नैक आ जाएगा अरे को अच्छा हाँ आई बड़ी भोली भाली सब पता है तभी पूछती है अब अपना भी थोड़ा सा अभी काम आने वाला है उसे भी अपन कर लेते हैं सो भाई अपना काम सारा हो चाहे कंप्यूटर आज एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था क्योंकि आज ना मम्मी एकदम फ्री थी आज ना मम्मी हावड़े करके आ गई वाओ भाई मैंने ये सरप्राइज आपको लास्ट में बताने के लिए रखा था है ना मेरे लिए सरप्राइज हुआ क्या आपके लिए क्या हो गया यार है ना
सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सरप्राइज करते हैं, अब हम ऊपर आ चुके हैं सोने के लिए क्योंकि लंच में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, अपना वही चपाती और दाल। आप सोच रहे हो हमारे घर में चपाती और दाल क्यों बनता है भाई, कोई और वैरायटी नहीं बनती भाई, लेकिन नहीं बनती, मेरे को यही अच्छा लगता है और कोई वैरायटी अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में यही रूल है, सुबह सब्जी बनाओ रात को दाल बनाओ, बस यही रूल फिक्स है। मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है, मम्मी अपना देखने लग रही है अपना सीरियल और मैं बेचारा अभी अपना काम कर रहा हूँ, नया नया काम है एक हिंदी का और वर्ल्ड टेस्ट के दिन में काम, फिर अब मैं किस्मत तो फूट ही रखी है यार, काम करो काम करो। सो आज के व्लॉग कुछ ज़्यादा में तो कुछ था नहीं आज के व्लॉग में, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।